हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जहाँ पर हम अपने टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराती रहती हूँ, चाहे वो DSSB के हों या KVS के हों, TGT लेवल के और PRT वगैरह सब। ठीक है, और हमने अपनी एक सीरीज शुरू कर रखी है फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, जहाँ पे हम अपने GK के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में लगा रहे हैं आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट ये सेकेंड है जहाँ पे हम GK के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इससे प्रैक्टिस सेट को। अगर आपने पहले वाले नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की भी क्लास पड़ी हुई है और हमारा GK का भी प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? फिलिपिन, इंडोनेशिया, मैग्नीशियम या आयरन? आंसर है हमारा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किस समय में हुई थी? मैकाले के में, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिक के? तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वारन हेस्टिंग। ठीक है, वारन हेस्टिंग के समय में हमारे भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? सऊदी अरब, बांग्लादेश, ईरान या फिर इंडोनेशिया? द करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र है जिसका विकास भारत में ही किया गया था? प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है भारत के जो मिसाइल वगैरह जो होती हैं, इनकी जो है वो विकास भारत में ही, ऐसा कौन सा है जो भारत में ही किया गया है? आकाश, पृथ्वी, अग्नि या त्रिशूल? तो करेक्ट आंसर है पृथ्वी। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित था? बंबई, रुड़की, वाराणसी या कलकत्ता? ये हमने शायद कल की क्लास में भी किया था। पहला इंजीनियरिंग जो कॉलेज है वो IIT रुड़की है। भारत में सबसे पहले यात्री रेलगाड़ी चली थी, कब चली थी? जनवरी 1848 में, अप्रैल 1853 में, मई 1857 में या फिर अप्रैल 1852 में? करेक्ट आंसर है अप्रैल 53 में चली थी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्र है? भारत, इंडो गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी भारत का पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी तट? तो करेक्ट आंसर है इसमें भारतीय गंगा के जो मैदान है वहां पर अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्र है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा वहां पर पाई जाती है। भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद, आलमारा, दुनिया ना माने या फिर आदमी? तो करेक्ट आंसर इसका है आलमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहला स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल वाहन मतलब, बनाया था? गॉटलिब डेमलर ने, हेनरी फोर्ड ने या रूडोल्फ ने या फिर कार्ल बेंज ने? तो करेक्ट आंसर इसका हमारा है हेनरी फोर्ड ने। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? वैलेंटिना, एडवर्ड एव हाइट, यूरी गार्गिन या फिर एलन शेफर्ड? तो करेक्ट आंसर आपका होगा यूरी गार्गिन। अंतरिक्ष में ध्यान रखेंगे यूरी गार्गिन ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी ने, केशव चंद्र सेन ने या ईश्वर चंद विद्यासागर ने? तो करेक्ट आंसर हुआ ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट के बीच में, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी या फिर एनी बेसेंट? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एनी बेसेंट थी। ठीक है, अगर भारतीय महिला पूछी जाए तो सरोजनी नायडू होंगी, और अगर सिंपल पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो वो एनी बेसेंट है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन्यजीव संरक्षण से, वन संरक्षण, वैज्ञानिक कृषि या वन उन्मूलन? तो करेक्ट आंसर हमारा इसका होगा वन संरक्षण को लेके। आर्यभट्ट को कहाँ से छोड़ा गया था? जो आर्यभट्ट एक था हमारा स्पेसक्राफ्ट, इसको कहाँ से छोड़ा गया था? श्रीहरिकोटा से, माही से, चांदीपुर या कपुस्तनी यार से? तो करेक्ट आंसर इसका होगा कपुस्तनी यार से छोड़ा गया था इसको।
भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो ये तो सबको पता होगा, ठीक है, गुलाब, कमल, लिली या सूर्यमुखी। करेक्ट आंसर है कमल। नेक्स्ट है, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए, गैलीलियो, मेगलेन, न्यूटन या फिर चैलेंजर। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका होगा मेगलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? कोलकाता है, डिब्रूगढ़ है, पांडिचेरी है या फिर कुरुक्षेत्र है? तो करेक्ट आंसर हमारा इसका होगा पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कार्पोलॉजी या फिर जूलॉजी, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा कार्टोग्राफी। जियो अर्थ से संबंधित है, ठीक है, और जूलॉजी हमारी एनिमल से संबंधित है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? डॉक्टर यूआर राव, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर पी चित्रम्बन या फिर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो करेक्ट आंसर हमारा है एपीजे अब्दुल कलाम जी को बोला जाता है मिसाइल मैन। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में, हैदराबाद, नई दिल्ली या ईटानगर। कृषि अनुसंधान पूछा है तो कहाँ पर है वो? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारे अभी इसकी पीपीटी में 20 क्वेश्चन ही थे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो